फंस गई गाड़ी इसकी, डिच में गई भाई, डिच में गई। तो हबड़ तबड़ ना मचाएंगे, वो नहीं हो क्या हो गया, आराम आराम से। चेन है बांध दी भाई इन लोगों ने तो अपने टायरों पे, हवा भी निकाल दी। ये देख लेना 4x4 में ये चल रहा बढ़िया। कोई बना के गया भाई ऐसे। मैं स्कूल में ना ऐसे ऐसे करके फिंगर क्रॉस करता था जब ज्यादा ही लग चाहिए होता था ना तो सारी मोड़ तोड़ देता था। प्रॉब्लम नहीं, चुल कहते हैं इसको। करते करते आ ही गए भाई सैला पास। सैला टनल 7 किलोमीटर है। चलने लगे हैं ये रास्ते। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो सुबह के बज रहे हैं 10:30। अभी तो सोए थे भाई ने जल्दी से उठा दिया। वही वाली बात है ना, सर्दी में जितनी नींद आए उतनी कम लगती है भाई। और मस्त सुहाना सा मौसम हो रखा है, एकदम गाड़ी गर्म हो रही है भाई। 2-3 दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब निकलने का टाइम है किसी और नई डेस्टिनेशन की तरफ। यस, सैला पास दिखाते हैं दिन में कितना खूबसूरत लगता है। चलो भाई, होगी गर्म? ठंडी बड़ी है लेकिन ठीक है, अभी काफी देर से ऑन है। चश्मे पहले धूप आएगी। चलो भाई। तो भाई यहाँ पर कुछ अपने भाई लोग खड़े हुए थे, वही पुराने मिले थे यहाँ पर, वो कह रहे हैं भाई बंद है फिर से। भाई यार अब तो इतनी धूप वूप भी आ गई, नहीं जाने देंगे क्या, ये नहीं निकलने देंगे क्या? यही चाहते हम, यही बस जाए, प्लॉट प्लॉट ले लेते हैं भाई। अरे भाई जगह तो ठीक है, बस वही है लाइट और इंटरनेट। अरे उनकी गाड़ी वो भी तो है, 4x4 नहीं है ना, तो वो भी तो बोल रहे थे शायद इस वजह से भी है। अरे डंबल बज रहे हैं यार पीछे ना बार बार कहीं आप सोचो बहुत लोग। हाँ वही ना यार, डंबल बज रहे हैं, सीरियस हैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेके। हाँ भाई, हाँ तो डंबल उम्बल बज रहे हैं बच्चे, देखो क्या खुश हो रहा है, घूमे पैर रख दिया बच्चे ने, खुश होते होते इनकी खुशी को हमारी नजर लगी कल हमने रखा पैर, आज ये रखेंगे। हाँ भाई चलो देखते हैं क्या होता भाई आगे जाकर। बिल्कुल, होपफुली जाने दे यार, बस बोल देगी अपने जिम्मे पे चले जाओ, चले जाएंगे भाई, हमारे ड्राइवर है भाई अपने ले जाएंगे। और ये था भाई रात वाला वो हिंदू रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया था, बढ़िया तो खाना था एक नंबर भाई। लोगों को लगता है अपनी मौज है, घूम रहे हैं, अरे भाई खाना पीना रहना नहाना धोना सारी चीजें होती है मगर फन तो है, फन तो है, नॉट डिनाइंग इट। पर घर की भी बहुत याद आती है, घर के खाने की भाई। वैसे कल यहीं पर रुका था हम लोगों को, यहाँ से जाने नहीं दिया था, और अभी उन लोगों ने भी बोला कि भाई जाने नहीं दे रहे, पर हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हमने चेक पोस्ट भी पार कर ली और रास्ता भी खुला खुला सही लग रहा है, मौसम भी अच्छा अच्छा लग रहा है, पर बादलों की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है भाई थोड़ा डाइसी सा मौसम है। पर जिस हिसाब से हम लोगों ने 2-3 दिन के मौसम देखे हैं उस हिसाब से तो बेस्ट है आज का। हाँ जो भी है सही है भाई, बढ़िया हो रखा है। अभी तक तो नहीं रोका, चल रहे हैं तो चलते चलो भाई। बस बर्फ तो होगी शुरू पर, ठीक है अभी टाइम है, फोर बाई फोर हो गए शुरू भाई। याक भाई याक, यहाँ पहाड़ों में याक के मतलब ना मतलब फूड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। खींची नहीं मतलब चाहिए नहीं भाई, एक इन्फॉर्मेशन है, लोग खाते हैं यहाँ पे, एक कल्चरल वो थिंग है। आ, सही है, जिसके लिए भी मतलब बढ़िया भाई, 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 भाई। जैसे कल हम उनके कल्चर वगैरह को देखने गए थे, वही वाली बात है, यहाँ पर भी है भाई अपना अपना होता सबका। और ये दिखा भाई, ये नीचे ये इसको क्या हो गया, इसको भी पूछे अभी यहाँ कस गया भाई, कस गया थोड़ा कसा तो ये ढीला हो गया था। अरे इतना ही टाइट नहीं, ठीक है मतलब काम चला उसे, मच बेटर। क्या कह रहे हो भाई, कितना सुंदर लग रहा है ना बाहर, मतलब धूप वगैरह होने की वजह से मतलब यार बोल नहीं पा रहा, एम्प्लीफाई हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब क्या है यार सुंदर। सनकिस्ड स्नो, ऐसी धूप आती रहे भाई हम लोग निकल जाए क्योंकि लग रहा है कहीं तो जा रहे हैं भाई, मतलब सैला की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ जा तो वहीं रहे हैं, इतनी बर्फ वहीं पाएगी या फिर वहाँ पाएगी ऊपर बुमला या फिर सैला बुमला भाई, रुक के 28 किलोमीटर कुछ रह गए सैला। और व्यू चेक करो भाई,
बादल, पहाड़, मजा सब है यार, एक आधी चीजों को छोड़कर मजा तो है भाई, है। काश समय और होता हमारे पास ना रुकने का। चैन है बांध दी भाई इन लोगों ने तो अपने टायरों पे, हवा भी निकाल दी, तो नुस्खे हैं भाई सबके बर्फ में से निकलने के। अपना नुस्खा अपने साथ है भाई, अपने नुस्खे यही हैं, ये गाड़ी है, ये भाई हैं, चल लेंगे, चार बाय चार है, और अपने फौलादी हौसले हैं एक नंबर। रुकना होता तो घर पे बैठ के रुक जाते यार, घूम इसलिए रहे कि रुकना नहीं है ना मुझे गिरना है, मुझे उठना है, मुझे दौड़ना है ना, लेकिन रुकना नहीं, लेकिन रुकना नहीं है, मुझे उड़ना है। ये देख लेना 4x4 में ये चल रहा बढ़िया, ये भाई भी कुछ करने लग गया भाई। हाँ चेन लगा रहा है, चेन लगा रहा भाई, चेन लगा रहा भाई, अरुणाचल पुलिस। चलो भाई हम तो बोले बाबा के सारे चल लिए, मस्त एकदम डेंस वाली बर्फ आ गई है और अभी भी 25 किलोमीटर तो हम पीछे हैं, पीछे हैं शाला पास से, मतलब और कितनी होगी वहां पर देखना, वो स्नोमैन सा बना रखा है। हाँ कोई बना के गया भाई, नाइस, हाँ सुंदर लग रहा भाई, सही भाई मेहनत करी है लोगों ने, सही भाई मेहनत है या फिर टाइम पास है यहाँ पर फंसने के बाद, जो भी है लेकिन बढ़िया है भाई, सब सही है। हाँ चेन बढ़िया चीज है अगर हो तो, हाँ नहीं है तो फिर नहीं है ब्रो, नहीं है तो नहीं है ना, क्या करूं? नहीं है तो यही है भाई, तब भी तो चली रही है। हाँ लेट्स जस्ट होप चली जाए, बिल्कुल बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस्ड। यो ऐसे मैं स्कूल में ना ऐसे ऐसे करके फिंगर क्रॉस करता था जब ज्यादा ही लग चाहिए होता था ना तो सारी मोड तोड़ देता था नाइस बचपन वाला मैं तो कहीं जाता ही नहीं, अंदर ही बैठा मेरे भाई। मेहनत तो इनकी चल रही है असली, और दो लोग हैं भाई, भाई साहब ट्राईपॉड स्टैंड की तरह लग रहे हैं, नीचे पैर ऐसे खोल के चल रहा है। चलो भाई चलो 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 चलो, कोई हमें स्लो डाउन करेगा ना तो हम फंसते हैं भाई, मतलब अगले के लिए भी रुकना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली वो भी तो परेशान है ही ना, तो पेशेंट रहे अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो, हबड़ तबड़ ना मचाए कि वो नहीं हो क्या हो गया, आराम आराम से, इट माइट टेक यू एन एक्स्ट्रा आवर बट इट विल बी फाइन, इट विल टेक यू थ्रू एटलीस्ट। चलो भाई पर इनके लिए तो काफी टफ होगा, और ऊपर से भी कुछ आ रहा तो रुक गया, इन्होंने पैर टेक लिए, वो पीछे वाला बहुत ज्यादा ना हॉर्न पे हॉर्न और बदतमीज सा है थोड़ा सा लोगों को, मतलब लोकल है ना भाई यहाँ का वो। अरे तो क्या हो गया यार, अगले भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। सही बात है, हम भी तो रुके हैं भाई, अरे तो चैन चून गाल रहा है उसके बावजूद भी दे हॉन मार रहा, होती है भाई कुछ लोगों के ना प्रॉब्लम, चुल प्रॉब्लम नहीं चुल कहते हैं भाई इसको। फोर लो पे चल रहे हम भाई, फाइनली दीवानजू ने बोला था फोर लो का मौका मिला क्या तुम लोगों को तो मिल गया भाई, फोर लो पे चल रहे हैं, चौथा गियर है ये, चौथा गियर चल रहा है भाई, 25 की स्पीड पे हम लोग, नाइस है, ओके ओके जैन सर, स्लो स्लो जाना भाई, बिल्कुल भाई स्लो ही जा रहे हैं, स्लो ही जा रहे हैं, चौथे गियर पे 25 पे चल रहे हैं, इससे ज्यादा स्लो क्या लेंगे भाई, इसलिए आई लव फोर लो, मतलब ऐसी टफ डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए ये क्या बीटी है, ये रुके निकालो निकालो, ये तो रुके हुए हैं वैसे ही, हां निकालो निकालो, रुकना नहीं है, है भाई यहां पर भी खाने पीने का, ये है मेरे है, चाय चूहे पीना चाहेगा क्या, नहीं भाई मेरा तो दिल है कि यहां से निकले पहले ये बढ़िया वो दे रखा है लोगों ने, जय बद्री विशाल लिखा हुआ है बढ़िया, याओ ये सब क्या चेन चून बांध रहे क्या, होपफुली भाई यहां पर रुके होंगे टूरिस्ट व्हीकल्स हैं तो सारे के सारे, अच्छा आगे फिर वो रास्ता बिल्कुल वैसा हो गया,
कि कम चला हुआ या तो चलो ज्यादा चल देते हैं, ज्यादा चल लेते हैं वही वाले यार। और क्या, रास्ता ही तो गायब हो गया भाई। पूरी बर्फ, प्रॉपर चद्दर। आहा भाई, ऐसे ही रास्ते पे निकल जाया करते थे मैं और दीवांशु होंडा सिविक में। भाई क्या गाड़ी है ना, कूडोस भाई, ये लोग जो बर्फ बर्फ हटा रहे ना, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो भी गार यार पटती है ना गाड़ी, तेरी पट रही है भाई। साइड में कितना प्यारा लग रहा है, आगे कितना प्यारा लग रहा है, सब प्यारा लग रहा है भाई, मजा। फंस गई गाड़ी इसकी, डिच में गई भाई, डिच में गई। अरे ऐसा बहुत होता है भाई, ऐसा बहुत होता है। अरे भाई एक बार ना मैं सुबह सुबह जा रहा था भाई, 6 बजे अपने ऑफिस, हर डिच में गई गाड़ी सुबह सुबह। साथ में एक लड़का बैठा हुआ, मैं भाई जा रही है अब, हल्के से ब्रेक मारे होंगे। हाँ भाई, ब्लैक आईज थी, क्या करता। हाँ ऐसे रपटते हुए चले गई होगी हल्के से ब्रेक में, दो खंभों के बीच से लेकर गया। ये जितनी बचा सकता हूँ बचाऊंगा, गाड़ी तो नहीं जा रही है। पहाड़ कितना सेक्सी लग रहा है, नाच रही है क्या? करते करते आए गए भाई सेला पास। सेला टनल 7 किलोमीटर है सेला पास, उससे 10 कुछ होगा आई गेस, है ना, इतना ही होगा। सही है, बढ़िया, 5-10 का डिफरेंस है कुछ। तो भाई जगह है भाई, अगर तुम्हें घूमना पसंद है और तुम्हें इंडिया देखना और ऐसा इंडिया देखना, तो यहाँ आके ऐसा इंडिया दिखेगा भाई। क्या ही तो जगह है भाई, इतने से स्नो गिरी, बढ़िया पूरी स्नो बेड बन रहा पूरा, बिल्कुल। डोंट ड्राइव सिली, मतलब एक होता है यार लोगों के अंदर चुल होती है ना कि थोड़ा भगा लूं, थोड़ा ऐसा कर लूं, थोड़ा वैसा कर लूं। नहीं भाई, वही चुल ले डूबेगी नहीं। यहां से जा लो, आंखों आगे जो जन्नत है वो देखो। कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई, बैड न्यूज़ ना हो होपफुली। उतरे थे, सोचा ड्रोन व्रोन उड़ा लेते हैं, यहाँ पर लोकेशन बहुत सेक्सी है, पर कुछ बात हो रही है कि जल्दी बंद हो जाएगा फिर ऐसा कुछ। क्या इन्फॉर्मेशन है भाई, ड्रोन अभी नहीं उड़ा सकते। हाँ। बोले टनल खुली हुई है, अगर टनल बंद होगी ना तो कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ जी चलो भाई, पैक 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 भाई, बोला वरना फंस गए तो फंस गए। चलो 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 भाई, हाँ मस्त भले लोग मिल जाते हैं भाई। भाई निकलो, फोटो वोटो होती रहेंगी, एक दिन और खिंचवाओगे फोटो। हाँ तो टनल तो 5 किलोमीटर ही रहेगी है, उसके बाद बना लेंगे ड्रोन शॉट। और क्या, निकलो पहले यहाँ से निकलो भाई, मतलब जितना भी सुंदर है जितना भी सही है, बट यहाँ पर रह नहीं सकते हम लोग इन लोगों की तरह। मतलब ऐसा अगर हम इनकी तरह होते तो हम इनकी तरह रह लेते। हाँ बढ़िया भैया, चिल चल रहा है इसकी लाइफ में, अपने भी चल रहा है, बट अपना थोड़ा अलग लेवल पर है। प्लीज गाइस चलो भाई, दोस्तों कमेंट में बताना कि था क्या ये, जो भी था ये जम गया। तो कमेंट में ये भी बताना कैसा लगा आपको तवांग अरुणाचल प्रदेश। चलने लगे हैं ये रास्ते, आसमान आँखों में।
सारी रात। यहाँ से आगे से गाड़ी 5-10 होगा ना। हाँ तो टनल का रास्ता कौन सा, ये है तो या फिर ये है? वही तो जानना चाह रहा हूँ कौन सा है ट्रक टनल का रास्ता। अच्छा यही है भाई। पूछो भाई यही है क्या टनल का रास्ता? अच्छा यहीं से सीधा। अच्छा पास पे नहीं जाना पड़ेगा फिर, सॉर्टेड सॉर्टेड टनल से निकल जाएंगे यानी हम लोग बाहर। अच्छा मतलब इट्स लाइक कि निकल जाओ। ठीक है ठीक है, सॉर्टेड, थैंक यू सो मच। वो भाई कह रहा है कि ट्रक को आगे जाना, तू थोड़ी ग्रिप मिलेगी, हमारा तो चलना है यार। अपनी तो भेज, हम ग्रिप देते आ रहे ट्रक को इतनी देर से। ट्रक को हमने दिया है पुश भाई, लाइफ में जिसको चाहिए था कि आ जा। भाई शैला टनल में आप सबका स्वागत है। अभी हमारा तो हुआ नहीं है भाई। हाँ। अभी हमारा हो गया, वेलकम लिखा आगे पढ़ लिया। हमारे बाद आप सबका स्वागत है। तो शैला टनल में आप सबका स्वागत है। ये भी इनॉग्रेट नहीं हुई है, बट आर्मी वालों ने बोला कि यार वहाँ ज्यादा बर्फ पड़ी है पास पे, तो ये बाईपास वाला रास्ता है कि टनल का, तो दे से यू टेक दिस वन, इट्स मच इजियर एंड सेफर। इन्होंने साफ भी कर दिया है अपनी मशीनरी लगा के। वेरी नाइस, हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ, जय हिंद। ये शुरू हुई भाई। वाह भाई क्या सेक्सी तो बना रखा वो। अरे भाई साहब मानना पड़ेगा भाई। भाई स्वागत है आप सबका हमारे साथ सेला टनल में। इसका इनॉग्रेशन अभी हुआ नहीं है, खोला भी नहीं है अभी, बट देन बहुत ज्यादा बर्फ हो रखी थी उसकी वजह से जो सेला पास है वो बंद कर दिया गया है। एंड हमें बोला गया कि आप लोग यहाँ से जाइए क्योंकि ये मच सेफर और इजियर पाथ है, यहाँ बर्फ भी नहीं होगी, टनल है भाई, कवर्ड है। एग्जैक्टली, सॉर्टेड यार, कूडोस टू इंडियन आर्मी, जय हिंद। गाइस ये जो टनल देख रहे हो ना आप, ये ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का है, 1.25 समथिंग एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता। काट दिया या भाई साहब, और देख रहे चेन की आवाज आ रही है बाहर से। हाँ तो लोगों ने लगा रखी है, लोगों ने चेन लगा रखी है भाई। नहीं लगाओ भाई, ऐसी हंसने वाली बात नहीं है, इट्स गुड, इट्स अ गुड सेफ्टी मेजर। हाँ अपना ऐसे ही चल रहा है अपने पास, ठीक है। ये पूरे बैंड काट दिए इन लोगों ने, हाँ काफी सारे काट दिए तो। बहुत सही भाई, ग्रेट वर्क गाइस, बहुत ही तो बढ़िया। बर्फ भी खत्म क्या सच में? वही लग रहा है, उतार दिया इन्होंने कहीं और, उतार दिया हमें। अरे भाई भाई यहाँ कहीं रोक के लेते हैं, कैसा लग रहा पड़? बहुत ही तो सुंदर लग रहा है भाई। रुकने देगा कोई? ये क्या कर रहा है, साइड साइड जा रहा है या हमारे लिए साइड बना रहा है, समझ नहीं आ रहा। कुछ तो कर रहा है, इसको छोड़ो, बादल देख रहा हूँ मैं तो, और देख रहा हूँ पहाड़। स्काई गेजिंग का मेरे को बड़ा वो है भाई, स्टार गेजिंग, स्काई गेजिंग, शौक कह लो कुछ भी। कर दी खत्म भाई बर्फ तो, या आगे होगी? थोड़ी बहुत तो होगी, कुछ तो किया है इन्होंने। काफी बर्फ काट दी पर भाई, जिस हिसाब से, जिस डेंसिटी वाली बर्फ से हम लोग गुजर रहे थे उसको शायद से काफी हद तक चटा बाय बाय कर दिया हम लोगों ने। एक और टनल आ गया भाई, ये तो वाला है मेरे ख्याल से, इससे पहले गए थे शायद से हम सेला टनल जब हम आए थे रात को जब आए थे। तो भाई हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, बहुत ही तो आसान कर दिया भाई, जिस हिसाब का सफर और रास्ता था ये, इट वॉज क्वाइट मुश्किल। इन लोगों ने टनल पे टनल बना कर ना, वाह भाई ब्रो, वेरी नाइस ब्रो, वो काम ही बढ़िया करता है। हाँ इतनी एंट्री में बर्फ है,
विजिट अगेन कह रहे हैं, आना पड़ेगा। सेटिंग्स डिफॉल्ट पे कर दी हैं सारी, बिल्कुल निकाल लेते हैं ड्रोन भी भाई, बिल्कुल।